शेखापक्ष के जिला परिषद सदस्य रविंद्र पाटिल ने चिरले गांव में स्कूली इमारत के लिए भूमि पूजन किया है, जिस वक्त कई गणमान्य उपस्थित थे। आपको बता दें कि प्रकल्प बाधितों के विस्थापन से उक्त गांव के जिला परिषद स्कूल का सवाल सुलझाने हेतु रविंद्र पाटिल अथक प्रयास कर रहे हैं। शेखापक्ष के जिला परिषद सदस्य रविंद्र पाटिल ने अपने आज तक के कार्यकाल में उनके मतदार संघ के तौर पर पहचाने जाने वाले गवहान विभाग में कई विकास कार्य किए हैं। अब शिक्षण विभाग में उनके कार्य और प्रयास जारी है। नवी मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे की वजह से प्रकल्प बाधित बरसे ओवे, पारगाव, दापोली, चिंसपाड़ा, गणेशपुरी आदि गांव विस्थापित होने वाले हैं। इस गांव के जिला परिषद स्कूल का सवाल सरकार के सामने रखकर वो सुलझाने के लिए रविंद्र पाटिल की अहम भूमिका है। स्कूल पुनर्वसन के लिए स्कूली इमारत आधुनिक दर्जा से निर्मित तथा सुविधाओं से युक्त हो, ऐसी मांग उन्होंने की है। इसी के मद्देनजर प्रशासन ने स्कूली इमारत बांधने का निर्णय लिया है, जिसके चलते रविंद्र पाटिल के हाथों चिरले स्थित भूमि पूजन समारंभ सम्पन्न हुआ। चिरले स्कूली इमारत के लिए मशहूर व्यावसायिक सुधाकर पाटिल के आर्यन एंटरप्राइजेस ने अपनी अगुवाई की है। इस भूमि पूजन के वक्त सुधाकर पाटिल के साथ आर्यन एंटरप्राइजेस के मैनेजिंग पार्टनर समीर पाटिल, पूरण पंचायत समिति के सभापति नरेश खरत, टंटा मुक्ति समिति अध्यक्ष धीराजी मड़ही, दीपक पाटिल, ग्राम पंचायत सदस्य निवृत्ति पाटिल, आकाश घरत के साथ ग्रामस्थ बड़ी संख्या में उपस्थित थे। इस दौरान रविंद्र पाटिल ने अपना मनोरथ व्यक्त किया। इमारत के निर्माण के लिए सुधाकर पाटिल ने 80 लाख रुपए का निधि दिया है। इस तरह आधुनिक सुविधा से युक्त इस स्कूली इमारत के निर्माण से स्थानीय छात्राओं को आधुनिक तथा उच्च शिक्षा प्राप्त होगी, जिसके चलते सुधाकर पाटिल ने एक आदर्श रखा है जो नई पीढ़ी के लिए प्रेरणादायी साबित होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, कर्नाला न्यूज़।